जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। जी नमस्कार, मेरा नाम मिताली नाग है एंड आई एम श्योर आप लोग मुझे जानते हैं। जिस चीज़ के लिए आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आप लोग अगर मुझे फॉलो करते आए हैं मेरे इंटरव्यूज़ में या मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आई हैव ऑलवेज स्पोकन फॉर द राइट। मैंने कभी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, मैं अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने काम में खुश रहती हूँ। मेरे बहुत बड़े बड़े ओपिनियंस नहीं हैं किसी चीज़ को लेकर। एज लॉन्ग एज़ आई एम हैप्पी, एज लॉन्ग एज़ किसी की चॉइसेस या किसी की कोई किसी का कोई स्टेटमेंट मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा है पर्सनली, मुझे, मेरे परिवार वालों को, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बिलीव करती हूँ लिव एंड लेट लिव पे। ऑन फेसबुक जहाँ पे सपना जी, सपना भवनानी, जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया, वो पोस्ट इतना अश्लील है कि आप लोग शायद अपने चैनल पे, अपने स्क्रीन्स पे वो शायद शेयर भी नहीं कर पाएंगे। हम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज जब मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया या भारत के ही नहीं, पूरे देश के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस औरतों को, नई माओं को, लड़कियों को ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस के लिए अवेयर करा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं कि आप लोगों को शुरू के 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ आपका दूध, मतलब माँ का दूध पिलाना चाहिए। स्पेशली इंडिया, कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे हमारी तो वैल्यूज़ पूरे जहान में मुझे लगता है फेमस है, तो हमें तो बचपन से सिखाया जाता है यार कि एक माँ अपने बच्चे को जो अनमोल गिफ्ट दे सकती है वो है अपना ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि उससे इम्यूनिटीज़ बढ़ती है। मतलब डॉक्टर्स भी बताते हैं, आई एम श्योर अगर आप लोग जो देख रहे हैं उन्हें बच्चे हुए हैं या उनके परिवार में किसी को बच्चे हुए हैं तो आपको पता होगा कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हाउएवर, क्योंकि हमारी कंट्री में उतनी स्पेसेस नहीं हैं जहां हम फ्रीली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सके, इसीलिए रिसेंटली एक कैंपेन भी शुरू किया गया था, फ्रीडम टू फीड, जो कि नेहा धूपिया जी ने शुरू किया है। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि नेहा जी ने ये कैंपेन शुरू किया है, जहां पे एज मदर्स हमें चाहिए कि पब्लिक स्पेसेस में ऐसे स्पेसेस बनाए जाए जहाँ हम लोग फ्रीली अपने बच्चों को फीड कर सकें, क्योंकि अगर हम पब्लिक में शुरू हो जाते हैं तो उस चीज़ को भी बहुत सारे लोग अश्लीलता का नाम दे देते हैं। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसको कई सारे लोग अश्लीलता की नज़र से देखते हैं। इसी बात का अवेयरनेस शुरू जगाने के लिए नेहा जी ने फ्रीडम टू फीड एक कैंपेन शुरू किया था, जिसमें वो चाहती हैं कि हर माँ अपना पिक्चर शेयर करे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करे कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था। मुझे याद है कुछ टाइम पहले मैंने पढ़ा था, कोलकाता में किसी एक मॉल में एक लेडी मॉल में अपने बच्चे को फीड करा रही थी और मॉल की अथॉरिटीज़ ने आके उन्हें बोला कि आप ये क्या कर रही हैं, इट्स नॉट अलाउड, आप टॉयलेट में जाके फीड करवाइए। इसके अगेंस्ट लोगों ने कितने सारे, मतलब देयर वॉज एन एंटायर कैंपेन अगेंस्ट दैट मॉल कि उस मॉल को बॉयकॉट कीजिए। तो हम औरतें, या नॉट जस्ट आई थिंक वीमेन, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर ट्राइंग कि लोगों के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पॉर्टेंस और ब्रेस्ट फीडिंग की ब्यूटी के बारे में उनके अवेयरनेस हो और माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाएं एटलीस्ट 6 महीने तक, दे शुड नॉट शाय अवे फ्रॉम इट। इस बीच में सपना जी ने एक बहुत ही घटिया सा, बहुत ही वाहियात सा पोस्ट शेयर किया है, जो पोस्ट देखने के बाद, जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया, वो बहुत ही शर्मनाक पोस्ट है। आप ब्रेस्ट फीडिंग जैसे प्यारे से और डिवाइन से, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और आज एज अ मदर मैं यहाँ बात कर रही हूँ, एज अ मदर मैं बात कर रही हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है बिकॉज आई ब्रेस्ट फेड माई बेबी। मैं अब भी, मेरे बच्चा दूध पीता है, मेरा अभी भी पीता है, वो 2.5 साल का है, मैं अभी भी उसे दूध पिलाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी सास ने, मेरी मम्मी ने ये बताया कि जितने टाइम तक बच्चा दूध पिएगा पिलाने दो, कोई बात नहीं। ऐसे में आप एक बहुत ही वाहियात, मतलब हो सकता है उनके लिए वो सेंस ऑफ ह्यूमर हो, बट मुझे पर्सनली वो कहीं से भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि शी इज़ सिंपली अब्यूजिंग माई मदर हो, जहाँ मैं एक बच्चे को दूध पिला रही हूँ और उस पोज में, और उन्हें एक बहुत ही गंदा और बहुत ही घटिया सा पोस्ट किया जहाँ एक अडल्ट आदमी वो हरकत कर रहा है। आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली डिसगस्टिंग। मतलब आई डोंट नो कि वो क्या सोच रही थी वो पोस्ट शेयर करते वक्त, वो खुद एक पब्लिक फिगर है, वो क्या मैसेज पहुँचाना चाह रही हैं लोगों तक।
उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए, उन्होंने इतनी अच्छी, इतने बड़े बड़े जो कांड हुए उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए कि औरतों ने बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, इस बात पे उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि उस बात का मजाक बनाना चाहिए, वो भी इतना गंदा सेक्सुअल मजाक। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली अवेयरनेस की कमी है। और देखिए अलग अलग, आई फील जैसे कि हम बोलते हैं बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड प्रेगनेंसी, मुझे पता है ऐसे बोला जाता है कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है हर औरत के लिए। अगर किसी को दो बच्चे हो या तीन बच्चे हो तो उनकी हर प्रेगनेंसी का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। सो आई डोंट रियली वॉन्ट टू से एनीथिंग पर्टिकुलरली बिकॉज बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं ड्यू टू मेडिकल रीजन दे आर नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड देयर किड्स, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आपको इस बारे में बहुत गिल्ट ये भी नहीं फील करना चाहिए, बट द रीज़न दैट द ब्रेस्ट मिल्क इज गुड एंड आई थिंक इट इज़ द बेस्ट यू नो मेडिकली फॉर अ चाइल्ड, दैट इज़ द रीज़न दैट आजकल डॉक्टर्स भी अवेयरनेस शुरू करें। हाँ, एज यू सेड अवेयरनेस की कमी है, इसीलिए सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो लोग धीरे 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 कैंपेन्स शुरू कर रहे हैं जहाँ पे, क्योंकि वो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि वो लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, सो पीपल लुक अप टू देम। लोग जानना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि अरे ये क्या कर रही है, अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा करती है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे सब सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करें। और जैसे कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया, नेहा जी या इनफैक्ट सोहा अली खान, मतलब इनफैक्ट आई रिमेंबर लीज़ा हेडन जो है लास्ट ईयर जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक था, इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक, तब उन्होंने भी पिक्चर शेयर किया था। सो एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक विमेन अवेयर कि नहीं, इट इज़ नॉट एनीथिंग बैड और इट इज़ नॉट एनीथिंग दैट यू हैव टू बी अशेम्ड ऑफ। अगर आप पब्लिक में भी अपने बच्चे को फीड कर रहे हैं तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। अ वुमन इज़ नॉट डूइंग इट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू शो हर ब्रेस्ट, शी इज़ नॉट डूइंग इट फॉर दैट, शी इज़ नॉट डूइंग इट बिकॉज शी वॉन्ट्स अटेंशन, शी इज़ डूइंग इट बिकॉज इट इज़ अ नीड फॉर हर बेबी। So that is the awareness that people are trying to create, and I think that is what we have to stick to, that is what we have to promote and not do something which will make people say that dekha dekha ye hota hai samjhe isliye tumko bolte hain ki public mein mat pilao ji। Dekhiye Sapna ji ne wo picture kyun share kiya, I really main wahi sochna chahti hu ya main wahi samajhne ki koshish kar rahi hu कि सपना जी ने वो पिक्चर क्या सोच के शेयर किया यार। मतलब वो खुद एक एक्टिविस्ट हैं एंड आई मीन सपना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं न्यू मुंबई आई थी मुझे धीरे धीरे जब सपना जी के बारे में पढ़ा या अदरवाइज ऑल्सो जैसे मैं उनके बारे में जानती हूँ उनके लाइफ के बारे में, वो बिग बॉस में भी आई थी, जब मैंने उनके लाइफ के बारे में पढ़ा तो आई रियली रियली लुक अप टू हर फॉर हर करेज एंड द वे शी यूज़ टू स्पीक अप अबाउट थिंग्स। एज आई सेड मैं बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड नहीं हूँ, मैं अपने परिवार अपने काम में खुश हूँ, पर सपना जी ने हर चीज़ के अगेंस्ट स्टैंड लिया है तो मुझे ऐसा लगता था कि वाओ मैन। तो ऐसी कोई लेडी अगर ये हरकत करेगी तो मुझे सीरियसली समझ में आता है, ये चीज़ आपको उनसे पूछनी चाहिए कि मैम आपने जब ये पिक्चर डाली पोस्ट की तो आप क्या सोच रही थी। एंड डेफिनेटली यस, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किया, बहुत इजी हो गया आजकल, इट हैज़ बिकम वेरी इजी बिकॉज हम एक फ्री कंट्री में रहते हैं, सोशल मीडिया इतना ईजिली एक्सेसिबल है। तो आई थिंक इट इज़ जस्ट दैट आप कहते ना कि वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं आप बेसिकली। So definitely yes, because she has posted it publicly, I definitely feel that she needs to apologize to all the mothers. As I said, मैं as a mother मुझे offend हुआ है और मुझे बुरा लगा है कि उन्होंने ऐसी हरकत कैसे की, तो definitely she has to apologize। And आप पूछिए उनसे, मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो किस सेंस में, या अगर वो सेंस ऑफ ह्यूमर भी था उनका तो वो ये कैसा सेंस ऑफ ह्यूमर है यार। आप जाके देखिए उस पोस्ट पर लोग कितनी गंदी गंदी चीज़ें लिख रहे हैं, उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है शायद। आई अप्रिशिएट दैट, मेरे अंदर इतनी गट्स नहीं है कि मैं कोई ऐसे पिक्चर डालूं और लोग मुझे कुछ भी रखें और मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी, मैं उस स्टेज पे अभी तक लाइफ में पहुंची नहीं हूँ, बट मुझे ये बुरा लग रहा है कि उन्होंने मेरी एक पर्सनल चीज़, अब तो मतलब वो मेरे अंदर की माँ जागी है यार। तो आई थिंक सपना जी ने आज तक कभी किसी माँ को हर्ट नहीं किया है जो इस पोस्ट से उन्होंने कर दिया है। मुझे ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसे लॉज आई एम श्योर हैं, बट येस देर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ फिल्टरिंग दैट शुड हैपन बिफोर पोस्टिंग यू नो सच सॉर्ट ऑफ पोस्ट्स और पिक्चर्स विच इंस्टिगेट, मतलब इंस्टिगेशन डेफिनेटली, मतलब ये बहुत ज़रूरत है। आई एम श्योर आप लोग भी जानते होंगे कि सोशल मीडिया के वजह से बहुत सारे आजकल दंगे फसाद भी हो जाते हैं, तो आई थिंक इट इज़ द कॉल ऑफ द आवर कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को जो है वो
जितनी पॉजिटिवली लोग यूज़ करते हैं उतनी ही नेगेटिवली भी बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ये तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जा रही हैं सोशल मीडिया की वजह से, एंड आई डेफिनेटली फील कि कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ना कुछ फिल्टरिंग होनी चाहिए। नहीं, आर यू टॉकिंग अबाउट द अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और आर यू टॉकिंग अबाउट द अवेयरनेस ऑफ द पोस्ट दैट वॉज मेड रिडिक्यूलिंग? नहीं, डेफिनेटली नॉट जस्ट ऑल द मदर्स इन द इंडस्ट्री लाइक नेहा धूपिया जी और ऐश्वर्या राय और करीना कपूर, नॉट जस्ट देम। मैं यहाँ पे एज आई सेड एज अ मदर मैं बात कर रही हूँ, एज अ वुमन मैं बात कर रही हूँ, तो मैं तो अपील करना चाहूँगी स्मृति ईरानी जी को जो खुद एक माँ है और वो शी इज़ ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड अपलिफ्टिंग। तो मैं तो अपील करना चाहूँगी स्मृति ईरानी जी को कि आप देखिए कि किस तरीके का मैसेज और किस तरीके का इन्फ्लुएंस हो रहा है इस पोस्ट से, एंड शी हैज़ टू रेगुलेट दिस। एंड इनफैक्ट व्हेन यू टॉक अबाउट नेहा जी, नेहा धूपिया जिन्होंने फ्रीडम टू फीड जो हैशटैग दिया था सपना ने, आप क्वेश्चन कीजिए ना, आप क्वेश्चन कीजिए कि आपने किस इंटेंशन से वो हैशटैग या वो कैंपेन शुरू किया था। और सपना जी, आई एम श्योर आप लोग जानते हो एक दूसरे को, और सपना जी उस हैशटैग का कितना गंदा मिसयूज़ कर रही हैं, कितने गंदी तरीके से उसको वो अब्यूज़ कर रही हैं। यस, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेल हर दैट शी शुड नॉट मिसयूज़ हर सेलिब्रिटी एंड व्हाट शी इज़ डन विद दैट पोस्ट। आई थिंक शी ओज एन अपॉलोजी टू ऑल द मदर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड आई थिंक शी शुड जस्ट रिमूव दैट पोस्ट इमीजिएटली विद एन अपॉलोजी। Yes, I mean, as I started that, I'm not a much opinionated person, and again, I would like to reiterate again ki ye jo, as you pointed out, that I am doing it alone. Kya hota hai na, maine recently kahin suna tha ki ek maa se bada yodha koi nahi hota hai, to wo post dekhne ke baad mere andar ka jo matritva hai na, wo honestly speaking jaag gaya hai, because I have experienced, as I said, I have breastfed my child, I breastfeed my child even now. तो इतनी प्यारी सी चीज़ को अगर कोई अब्यूज़ कर रहा है तो वो मुझे नहीं लगता कि इतनी ईजिली, कई बार ऐसा होता है कि ठीक है यार जाने दो ना, हमें क्या करना है, ठीक है यार जाने दो ना, पर ठीक है यार जाने दो ना करते 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 ही हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाते, इस नौबत तक लाते हैं जहाँ वो इतनी प्यारी सी चीज़ का इतना घटिया और इतना गंदा मजाक बना सकते हैं। देखिए, मैंने शुरुआत आज अकेले की है, बट आई एम श्योर कि मेरे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, और भी माएँ जुड़ेंगी, और भी लेडीज़ जुड़ेंगी, और भी पापा लोग जुड़ेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट समथिंग लाइक दैट नेवर हैपन्स आफ्टर दिस। यस, आई हैव गॉट मैसेजेस, नॉट कॉल्स फ्रॉम फ्रेंड्स, एंड दे हैव टोल्ड मी दैट व्हेनेवर और व्हेरेवर यू नीड आवर हेल्प वी आर ऑलवेज देयर। सो एज आई सेड, देखिए मेरा इंटेंशन कोई बहुत बड़ा ऐसे बवाल मचाने का या ऐसे नहीं है। मैंने FIR के बारे में डेफिनेटली कंसिडर किया है, बिकॉज वॉट शी इज़ डन इज़ अब्यूजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, अब्यूजिंग मदरहुड। सो इफ शी डजेंट अपोलोजाइज, इफ शी डजेंट रिमूव द पोस्ट राइट नाउ, आई विल डेफिनेटली टेक द लीगल स्टेप सो दैट शी, एंड नॉट जस्ट हर, उनके जैसे अगर कोई और भी लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को, ऐसी डिवाइन चीज़ों को या ऐसी प्योर चीज़ों को अब्यूज़ करेंगे, उसका भद्दा मजाक बनाएंगे, उसका गंदा मजाक बनाएंगे, तो उन सब के लिए एक सबक होगा कि क्योंकि आप सेलिब्रिटी है इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन गेट अवे विद इट। अगर आपने गलत किया है तो आपको उसके लिए भुगतना पड़ेगा। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।